फुलाल सैयद मोहम्मद शरीफुल मदनी दरगाह का उरूस के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। माशाल्लाह दिसंबर 23 तारीख से शुरुआत हो देंगे, जनवरी 16 तारीख तक हमारा प्रोग्राम चालू है, उरूस प्रोग्राम। तब हम लोग उरूस के लिए आना बोल के आप लोगों को दावत दे रहा हूँ। औलिया करामत का बहुत जात नाम आप सुन के रहेंगे। अजमेर का बाद उलाल का दरगाह, साउथ इंडिया का दक्षिण भारत का अजमेर बोल के नाम भी आ चुका है। ये दरगाह का अंडर बहुत सारा दीनी तालीम का मदरसा है, मस्जिद भी है, इंग्लिश पढ़ाने का, कन्नड़ पढ़ाने का स्कूल भी है। आप लोग एक बार उला दरगाह को, दरगाह शरीफ का औलिया किराम को आके आपको दुआ पढ़ के जाना बोल के आपको ये उरूस टाइम में आपको दावत दे रहा हूँ। कितने साल में एक बार होता है? 5 साल को एक बार हो रहा है। अभी कोरोना की वजह से 4 महीना अभी पीछे पड़ा है। सर एवरी 5 ईयर्स को हमारा उरूस चलता है। 429 साल से ये उरूस साल से चलता था, हमारा दाखिल में ऐसा है। हमारा कर्नाटक का उल्लाल मंगलूर का डीसी बहुत सारा हमारे को साथ दिया है। कोरोना का वजह से देने के बहुत मुश्किल था, वो पूरा चेकअप करके हमारा बंदोबस्त दे के फुल परमिशन दिया है। फिर दूसरा गवर्नमेंट का काम के लिए भी मदद करा है। वो कर्नाटक आने के लिए बस का फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग लिखा है, स्पेशल ट्रेन के लिए लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है। वो पूरा इंशाल्लाह हो जाएगा। पंद्रह तारीख को प्रोग्राम लास्ट दिन है, वो दिन मगरिब का बाद इशा नमाज का बीच में तबरुक के लिए घी राइस बनाते हैं हम लोग, एड बेड बकरे का खुरमा का साथ लंगर हम लोग दे रहे हैं। उसमें कम से कम 4-5 लाख लोग उधर जमा होंगे। आप लोग बुला के वो तबरुक लेना बोल के इंतज़ार करो। कोविड की वजह से रहने का इंतज़ाम वगैरह वहाँ पे सिटी में है? कोविड का बारे में हमारा मेडिकल ऑफिसर ने उसे कैंप बनाया उधर, वो क्या वो इंजेक्शन देने के है तो मेडिकल चेकअप करने तो सब कुछ अरेंजमेंट किया है हम लोग। कौन कौन मिनिस्टर आ रहे हैं? बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर आ रहे हैं, अश्वत्थ नारायण आ रहे हैं, डी के शिवकुमार आ रहे हैं, सिद्धरामय आ रहे हैं, कुमार स्वामी आ रहे हैं, नासिर हुसैन MP आ रहे हैं, जमीर खान हमारा बेंगलोर का, और अभी एक नया यूसुफ शरीफ हरिभर के अभी एक नया MLC कैंडिडेट है ना, उन्हें भी आ रहा है। जब्बार KGF बाबू, MLC माजी MLC जब्बार आ रहे, बहुत सारा हिंदू मुस्लिम सब मिलके, सब मिलके उल्लाल में ऐसा हिंदू अलग मुसलमान अलग बोल के नहीं है, सब कुछ मिलके कर रहे हैं हम लोग। धर्मस्थल का हेगड़े भी आने का चांस है, बातचीत किया, और लक्षद्वीप का उनका प्रोग्राम है, उनका लक्षद्वीपोत्सव, वो डेट आगे पीछे हुआ तो आना बोल के है। तमाम मुसलमान लोग उसमें भी यूथ नौजवान लोग बहुत सारा देख के सोच के, हमारा प्रभादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा हमारे को डायरेक्शन दिया, कैसा जाना बोल के हमारे को दिखाया, वो रास्ता में चलना है। उधर हिंदू मुस्लिम बोल के नहीं, वो लोग का धर्म वो रक्षण करके वो लोग जीतना है। हमें भी दीन का तालीम पढ़कर अल्लाह की रसूल की बात सुनकर मान के हमारा आगे जाने के लिए तौफीक दें दे बोल के मैं दुआ कर रहा हूँ। सटियाड़ी सिराजुद्दीन हुजूरी कुमडम बशीर फैज़ दीशा मंगलम अब्दुल समद समदानी EP अबू बकर मोसलियार अब्दुल हकीम अजहरी अजीज़ दारमी चुक्का बेटो इनके अलावा मुमताज़ उलमाए कराम सीरत अलिया पर अपने तासुरात पेश करेंगे। 14 जनवरी 2022 ठीक 5 बजे मुअज़्ज़ज़ अफराद में माज़ूर अफराद में 14 जनवरी 2022 ठीक 5 बजे से एक प्रोग्राम मुनक़िद होगा जिसमें माज़ूर अफराद में साइकिल व्हील चेयर वगैरह तकसीम किए जाएंगे। बाद नमाज मगरिब मजहबी और समाजी क़ायदीन शिरकत करेंगे। दरगाह शरीफ के चेयरमैन हाजी अब्दुल रशीद साहब और ट्रस्टियान ने
200 मेंबरों पर मुश्तमल एक उर्स कमेटी बनाई है, जिनका काम बेहतरीन ज़ायरीन के खिदमात को अंजाम देना है और दरगाह शरीफ के तमाम सफाई वगैरह का ख्याल रखना है। दरगाह शरीफ और मस्जिद को पेंटिंग के लिए तकरीबन 40 पर 3.5 लाख रुपए का खर्च व अखराजा टेंडर हो चुका है और पिंडाल लाइटिंग वगैरह का भी खर्च तकरीबन 58 लाख रुपए का काम की शुरुआत की जा चुकी है। 15 से 16 जनवरी 2022 की शाम तक ज़ियाफ़त आम का अहतमाम किया गया है, तबरुक ताम का अहतमाम किया गया है, जिसमें 1500 से जायद भेड़ बकरे और 35000 से जायद घी चावल वगैरह घी रईस का के बनाने का पकवान का अहतमाम किया गया है। तमामी अखबारी नुमाइंदगान, चैनल्स वगैरह और दीगर ज़राए अब्लाग जितने भी हैं मीडिया के, उनसे इल्तमास करता हूँ, मैं मौलाना खारी सूफ़ी वलीबा कादरी चिश्ती जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद जमीयत सूफिया अल मशायख शाख कर्नाटक के 5 साल में एक मरतबा मुनक़िद होने वाले मंगलूर ज़िले के इस उल्लाल शरीफ की दरगाह पाक जो 500 साल कदीम है, इस दरगाह शरीफ के उर्स के पैगाम को और इसमें शिरकत करने वालों की तादाद भी बढ़े और साथ ही साथ ये जो मुंतजमीन ट्रस्टियान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम जो भी इनके जो जज्बात हैं, इनके जो भी जो इरादे हैं कि दरगाह शरीफ पर तमाम लोग हाज़िरी दें और यहाँ पर जो अल्लाह वाले 500 साल कदीम आले रसूल आराम फरमाएं, इनसे फ्यूज़ व बरकत हासिल करें, हाज़िरी का शर्फ़ मिले, इनके पैगाम को जो है मुल्क के कोने कोने, रियासत के कोने कोनों तक आम करें। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.